आकांक्षा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज। दुनिया भर के लोग जिस एपिसोड का दिल थाम कर इंतजार कर रहे थे, कल वो एपिसोड आ ही गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स रियूनियन के एपिसोड के बारे में। 17 साल बाद भी जब शो की कास्ट एक साथ आई, तब भी लोगों में उतना ही उत्साह था जितना 17 साल पहले था, क्या तो कह सकते हैं कि उससे ज्यादा ही। कोई भी फ्रेंड्स फैन इस एपिसोड के दौरान अपने हर एक इमोशन से रूबरू हो पाएगा। कभी आपको रोने का दिल करेगा, तो कभी जोर जोर से ठहाके मार के हंसने का। और सच मानिए, आप अपने किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि एपिसोड में हुआ क्या क्या। शुरुआत में कास्ट एक एक करके अपने उसी पुराने सेट पर वापस आई। सबसे पहले रॉस गेलर का किरदार निभाने वाले डेविड श्विमर, फिर फीबी बुफे का किरदार निभाने वाली लीसा कुड्रो, रेचल ग्रीन का किरदार निभाने वाली जेनिफर एनिस्टन, जोई ट्रिबियानी का किरदार निभाने वाले मैटली ब्लांक, मोनिका गेलर का किरदार निभाने वाली कॉर्टनी कॉक्स और अंत में चैंडलर बिंग का किरदार निभाने वाले मैथ्यू पेरी। जैसे जैसे एक एक कर हर सदस्य अंदर आ रहा था, सब अपने सेट से जुड़ी पुरानी यादें एक दूसरे से शेयर करने लगे। एपिसोड के होस्ट थे जेम्स कॉर्डन, जो कि इंग्लिश एक्टर, कॉमेडियन, राइटर, सिंगर, प्रोड्यूसर और टेलीविजन होस्ट भी हैं। उन्होंने पूरी कास्ट से कई दिलचस्प सवाल किए, कास्ट ने एक एक कर अपने फेवरेट एपिसोड बताए और तो और एक एपिसोड के सीन को रिक्रिएट भी किया। उस सीन में सभी एक क्विज खेलते नजर आए। हालांकि सवाल तो असली एपिसोड से कुछ अलग थे, मगर उसको छोड़कर बाकी सब उस पुराने एपिसोड जैसा ही था। और इस सीन के दौरान मिस्टर हेकल्स, रिचर्ड बर्ग जैसे किरदार भी फैंस को वापस देखने मिले। पूरी कास्ट ने मिलकर कुछ सीन्स की स्क्रिप्ट रीडिंग भी की और यकीन मानिए, पूरी कास्ट ने अपने अपने किरदार कुछ वैसे ही उत्साह और सच्चाई के साथ निभाए जैसे 17 साल पहले निभाते थे। एपिसोड के दौरान कुछ बहुत ही स्पेशल वीडियो क्लिप्स भी दिखाए गए, जिसमें दुनिया भर के फ्रेंड्स फैंस ने अपनी लाइफ चेंजिंग कहानियां शेयर की। उन्होंने बताया कि कैसे इस शो ने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद की, कैसे जब उनकी जिंदगी में कोई और नहीं था, तब ये शो उनका सहारा बना। इसमें कई क्लिप्स भारतीय फैंस की भी थी। आपको बता दें कि कई बड़े सेलिब्रिटीज जैसे जस्टिन बीबर, कारा डेलेवीन, सिंडी क्रॉफर्ड एपिसोड में सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए एक फैशन शो के लिए आए, जिसमें उन्होंने शो के दौरान पहने गए किरदारों के कुछ अतरंगी कॉस्ट्यूम पहने। शो के मेकर्स मार्टा कॉफमैन, डेविड क्रेन और केविन ब्राइट भी वहां मौजूद, और उन्होंने बताया कि इन 6 कैरेक्टर्स की कास्टिंग के लिए उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वैसे तो इस एपिसोड में कास्ट ने अपने कई पुराने राज खोले, लेकिन एक राज जिसने शो के तमाम फैंस के होश उड़ा दिए, वो था डेविड श्विमर का राज। जी हाँ, डेविड श्विमर ने सबके सामने ये कबूला कि ये शो की शुरुआत में डेविड और जेनिफर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से दोनों रियल लाइफ में कभी एक रिश्ते में नहीं। ये खुलासा इतना हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि इन दोनों के किरदार शो के सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से। इन दोनों की केमिस्ट्री को देखकर कई फैंस को इस बात की थोड़ी भनक तो थी, लेकिन कल इस बात पर मोहर भी लग गई। एपिसोड के कुछ इमोशनल मोमेंट्स में से एक वो मोमेंट था जब मैथ्यू पेरी ने बताया कि वो पूरे शो के दौरान एंजाइटी से गुजर रहे थे। शो के ब्लूपर्स और कुछ वीडियो क्लिप्स शेयर किए गए, जिसमें कास्ट शूटिंग के दौरान मस्ती करती नजर आ रही है। एपिसोड में ऐसी कई पुरानी बातों को याद कर कास्ट भावुक भी हुई। आपको बता दें कि शो के 10 सीजन को मिलाकर पूरे 236 एपिसोड्स हैं। इस शो का प्रसारण 220 टेरिटरीज में हुआ था। लगातार 6 सीजन तक ये शो बेस्ट कॉमेडी शो रहा और सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर ये शो तकरीबन 100 बिलियन बार देखा गया है। एपिसोड में शो के कई फेमस फैन जैसे BTS ग्रुप, डेविड बेकहम और मलाला की वीडियो क्लिप्स भी शेयर की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे इस शो ने उन्हें प्रेरणा दी और मुश्किल वक्त में हंसने की वजह भी। इस शो ने कई लोगों की जिंदगी को छुआ है, उसे सवारा है, तभी आज तक लोग इस शो के ऋणी हैं। अगर आप भी फ्रेंड्स फैन हैं, तो ये एपिसोड देखकर आप भावुक जरूर होंगे, लेकिन अंत में ये एपिसोड आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छोड़ जाएगा। हालांकि बहुत से फैंस इस बात से नाराज थे कि ये रियूनियन सिर्फ एक एपिसोड का है, लेकिन कल के इस एपिसोड को देखकर किसी को भी कोई शिकायत नहीं रही।
ये था हमारा फ्रेंड्स यूनियन का रिव्यू। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और देखते रहिए सबसे अच्छी खबर तक।